इस ट्यूटोरियल में जानेंगे किस तरह से हम यूज स्टेम परफॉर्म करेंगे एक शीट में के ऊपर। तो सबसे पहले आप यूज स्टेम के लिए एक पंच बना लीजिए। तो पंच बनाने के लिए सबसे पहले आपको पार्ट मॉड्यूल में जाना पड़ेगा। मूविंग है पार्ट मॉड्यूल, जंपिंग अप दिस प्लेन, और मैं यहां से एक पंच बना रहा हूं। अब देखें तो लेट्स क्रिएट अ पंच हियर। नाउ उसके से बाहर निकल रहे हैं, इसको रिवॉल्व कर लेते हैं। सो दिस विल माय पंच, ये मेरा पंच होगा। नाउ आई एम मूविंग आउट ऑफ दिस, नाउ आई एम मूविंग इन जनरेटिव शीट मेटल डिजाइन। नाउ यहां से हम एक बॉडी इंसर्ट कर लेते हैं, इट विल बी अ सेपरेट बॉडी। अगर आप सेपरेट बॉडी इंसर्ट नहीं करेंगे तो बिकॉज दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ शीट मेटल, तो ये इसको सेलेक्ट नहीं कर पाएगा। सो आई एम गिविंग अ पैरामीटर, ओके शीट पैरामीटर हो चुके हैं। नाउ आई वांट टू मेक शीट हियर, सो इफ यू सी दिस इज माय शीट, ओके इस शीट को थिकनेस वॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। नाउ दिस इज अ वॉल, अब देखें तो एक वॉल कन्वर्ट हो चुकी है। अब मैं इस पर डाई पंच करना चाहता हूँ, तो आई एम मूविंग इन यूज स्टेम, क्लिक यूज स्टेम, जहां पे आप स्टेम करना चाहते हैं वहां पे क्लिक कीजिए, स्टेम इट हियर। तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि आपका पंच कौन सा है, दिस इज माई पंच। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा आप यहाँ देखें तो आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे एक बिल्कुल इसी तरह की शेप आ चुकी है। नाउ आप इसको बताएंगे कि कहाँ से आप इसको ओपन करना चाहते हैं। सपोज आई वॉन्ट टू ओपन इट फ्रॉम हेयर, दिस इज माई ओपनिंग फेस, मेकिंग इट ओके। अगर फिलेट देना चाहते हैं तो टेक इट एज नो फिलेट, और फिलेट देना चाहते हैं तो फिलेट ले गए। नाउ बाय डूइंग ओके विल बी एबल टू क्रिएट यूजर स्टेम। So this is how we create user stem in Catia.